तो नमस्कार, स्वागत है आपका चेन्नई की टीम के लिए। अब एक बड़ी खुशखबरी आ रही है, अगला मुकाबला आपको पता है कि अब तो यहां से डू एंड डाई की सिचुएशन पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। एक और हार का मतलब ये होगा कि चेन्नई की टीम लीग से बाहर है, प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन इन सब बातों से पहले एक जो अहम खबर निकल कर आ रही है वो ये कि ड्वेन ब्रावो 2 से 3 मैच बाद टीम में वापस आ जाएंगे। अब ये खुशखबरी है या इस खबर के कोई मायने नहीं है? मायने नहीं है। 2 से 3 मैच मतलब, हाँ, मैं अगर ये खुशखबरी, मैं इसे खुशखबरी तब मानता रोहित जब आप कहते कि ये खबर आ गई है कि अगले मैच से ब्रावो आ रहे हैं, यानी कि फिर जो 4 मैच बचे हैं उसमें ब्रावो रहते तो खुशखबरी एक माना भी जा सकता था। हालांकि जिस मैच में वो रहे हैं उसमें उन्होंने कौन सा बड़ा कुछ उखाड़ लिया, लेकिन फिर भी हाँ कि चलिए आते हैं तो अच्छा रहता। लेकिन 2 से 3 मैच के बाद का मतलब है आखिरी के 1 या 2 मैच तब तक चिड़िया खेत चुक चुकी होगी अगर उनके ना रहने से कोई फर्क पड़ता है। अगर नहीं तो फिर बाकी इमरान ताहिर भी हैं, जॉश हेजलवुड भी हैं, इन्होंने कुछ अच्छा कर लिया उनके एब्सेंस में तो बेटर है ऐसा। लेकिन हाँ, अच्छी खबर है कम से कम ड्वेन ब्रावो के लिए और सीएसके के लिए भी कि सीएसके वहां तक अपने को बचा के रखती है। मतलब कि अब आने वाले 2-3 मैचेस सीएसके जीतती है तो फिर ब्रावो को आने से पावर बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये खबर है ब्रावो के लिए और पहले ऐसा लग रहा था, पहले खबर यही आई थी, आप लोगों को भी ऐसा ही लगा होगा, खबरें आपने कहीं इधर उधर देखी होंगी, सब जगह पे खबरें थी कि शायद वो इस आईपीएल से ही आउट हो चुके हैं। 2 से 3 हफ्ते बोले गए थे कि रिकवर हो सकती है जो मैक्सिमम टाइम है, लेकिन 1 हफ्ते का मिनिमम रीच बोला गया था। तो वो 1 हफ्ते वाली बात अब लगभग वही उसी हिसाब से 1 हफ्ता या 10 दिन उन्हें लगेंगे, जिस बीच चेन्नई 2 से 3 मैच और खेलेगी और देखना दिलचस्प होगा वही जो हमने कहा कि क्या तब तक चेन्नई खुद को सर्वाइव करके रख सकती है। अगर ऐसा होगा तो बहुत बेहतर है, क्योंकि फिर ड्वेन ब्रावो आएंगे तो टीम को निश्चित तौर पर नई ताकत मिलेगी और देखते हैं किस तरह से चेन्नई की टीम अब यहाँ से आगे बढ़ती है, क्योंकि लगातार चीज़ें फिलहाल बुरी ही नज़र आ रही हैं चेन्नई के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।